हमारे साथ बातचीत करने के लिए नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार सुनील यादव, जो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ बीजेपी ने जिनको उम्मीदवार बनाया। सुनील, ऐसा कहा जा रहा है कि आप पार्टी हाईकमान से चाहते थे कि आप चुनाव नहीं लड़े, ऐसा कहने आए थे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहने आया था। जब आदमी को टिकट मिलती है तो अपने शीर्ष नेताओं से आशीर्वाद लेने में जरूर जाता है हर जगह। तो कल रात को मेरे को 2 बजे तय हुआ, तभी मिलने की प्रक्रिया चल रही है। अभी नॉमिनेशन भरने जाऊँगा और अच्छा चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि केजरीवाल, मैं यहीं पे पैदा हुआ, यहीं पे खेला, यही मेरे स्कूल कॉलेज सब इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आप नहीं चाहते थे चुनाव, आप चाहते थे कि कोई दूसरा व्यक्ति चुनाव लड़े, कोई फिल्म स्टार लड़े, कोई पूर्वांचली चुनाव लड़े। मैं खुद प्रतापगढ़ का हूँ, पूर्वांचली हूँ, मैं यादव हूँ, बैकवर्ड हूँ, OBC हूँ, एडवोकेट हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहता हूँ। और मुझे लगता है कि मेरे कैंडिडेचर के बाद मुझे लगता है केजरीवाल जी को परेशानी होने वाली, क्योंकि यहाँ पर लोकल वर्सेस युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, और उनको परेशानी होने लोकल वर्सेस अदर्स होने वाला है। उनके घर पे जाने के लिए आदमी को 200 रुपए चाहिए होते हैं, सिविल लाइन रहते हैं। यहाँ के गरीब जनता जो सर्वेंट क्वार्टरों में रहती है, झुग्गी झोपड़ियों में रहती है, और जो गरीब तबके के लोग हैं उसके घर जाने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। यहाँ CM की जरूरत नहीं है, पहली बात तो यहाँ पे एक लोकल MLA की जरूरत है जो चूने का काम करवा सके। पिछले 2 चुनावों के नतीजे रहे हैं, उसके बाद ये लगता है कि आप को हार का डर रहेगा? मुझे हार का डर रहेगा, केजरीवाल को हार का डर इसलिए रहेगा क्योंकि मैं इस क्षेत्र का नेता हूं, मैं इस क्षेत्र में यहीं पैदा हुआ, यहीं खेला, यहीं पढ़ा। अब तो वो बाहर से आए थे शीला दीक्षित को चैलेंज करने के लिए, उनका चैलेंज पूरा हो गया, उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए काम नहीं करा, अब वो जाएंगे बाहर। अरविंद केजरीवाल को चुनौती आपकी मजबूत रहने वाली है? चुनौती नहीं, उनको हराएंगे। इस लोकल वर्सेस जब अदर होता है ना, तो ऐसे ही आदमी इन लोगों को हराता है जो लगातार झूठ की राजनीति करते हैं। अब सच की लड़ाई है, कहीं वॉकओवर तो नहीं है? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं बहुत कमजोर कैंडिडेट हो सकता है। अरविंद केजरीवाल के पास सीट बदलने का टाइम ना हो, वरना वो सीट बदल लेते हैं। उनको लगता है कि नॉमिनेशन इसीलिए नहीं किया कल, सकता है कि वो चेंज कर, देख रहे थे कि कौन उम्मीदवार सुनील यादव ना लड़े तो मैं क्या कहता हूँ भर दूं, हो सकता है वो चेंज कर दे अपने नॉमिनेशन। सुनील यादव नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जिनको बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है।